कांग्रेस की सरकार बनी तो कश्मीर में बहाल होगा अनुच्छेद 370। 370 को लेकर राहुल गांधी ने श्रीनगर में दिया बड़ा बयान। क्या 2024 में जम्मू कश्मीर में फिर लागू हो जाएगी धारा 370? 2019 में केंद्र में नरेंद्र मोदी ने जैसे ही दूसरी बार सत्ता संभाली, उसके कुछ दिनों बाद ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया। राज्य के दो हिस्से कर दिए गए और दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर को विधानसभा भी मिली है और चुनाव आयोग साफ संकेत दे चुका है कि विधानसभा चुनाव कराने की उसकी तैयारी पूरी है, बस गर्मी आने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही सर्दी का मौसम समाप्त होगा और थोड़ी गर्मी बढ़ेगी, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। इस बार राज्य की 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा मिलेगा? क्या जम्मू कश्मीर को फिर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? क्या जम्मू कश्मीर में फिर से बहाल होगा अनुच्छेद 370? श्रीनगर में राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये सवाल उनसे भी पूछा गया। अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस का स्टैंड पूछा गया। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि आर्टिकल 370 पर हमारा स्टैंड क्लियर है, हमारी वर्किंग कमेटी में इसकी चर्चा हुई है, इसके दस्तावेज दिखा दूंगा। हम जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली चाहते हैं। भाजपा का कहना था कि 370 हटने के बाद यहाँ सब ठीक हो गया है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं बदला है। पहले की तरह बेकसूर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, लोगों में डर का माहौल है। अगर सब कुछ ठीक है तो अमित शाह जम्मू कश्मीर से श्रीनगर तक पैदल यात्रा करके दिखाएं। राहुल गांधी ने अमित शाह को जम्मू से श्रीनगर तक पैदल चलने के लिए चुनौती दी है, लेकिन ये नहीं कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला सही था या फिर कांग्रेस भी इसकी बहाली नहीं करेगी। उल्टा केंद्र सरकार के फैसले पर राहुल गांधी ने सवाल उठा दिए। राहुल ने 370 पर साफ जवाब नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जिस प्रस्ताव की वो बात कर रहे हैं उसमें मोदी सरकार के फैसले का विरोध किया गया था। प्रस्ताव में कहा गया था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी अनुच्छेद 370 को एक तरफा और अलोकतांत्रिक तरीके से हटाए जाने की निंदा करती है। अनुच्छेद 370 को जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आगे बढ़ाया था। अनुच्छेद 370 का तब तक सम्मान किया जाना चाहिए था जब तक सभी वर्गों से रायशुमारी के बाद और भारत के संविधान के तहत इसमें संशोधन न कर दिया जाता। राज्यसभा और लोकसभा में बीजेपी सरकार ने जिस तरह से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया है, उसके परिणाम सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं रहेंगे। साफ है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो प्रस्ताव पास किया था उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया था कि इसे हटाना सही कदम है। मोदी सरकार के फैसले का विरोध किया गया था और राहुल गांधी ने श्रीनगर में जो जवाब दिया उसमें भी साफ कर दिया है कि जो प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पास किया था वो आज भी उसके साथ है। इस प्रस्ताव को राहुल गांधी ने बैठक के बाद अपने फेसबुक पेज पर भी साझा किया था। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर 2024 में केंद्र की सत्ता में बदलाव होता है और कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या जम्मू कश्मीर में एक बार फिर अनुच्छेद 370 को लागू कर दिया जाएगा? जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा फिर मिल जाएगा? वैसे राज्य का दर्जा देने के संकेत तो मोदी सरकार भी दे रही है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा देने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या फिर लद्दाख का विलय जम्मू कश्मीर में कर दिया जाएगा? राहुल गांधी ने सीधे सीधे किसी सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के प्रस्ताव की चर्चा छेड़कर ये जरूर साफ कर दिया कि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो बड़े फैसले लेने में हिचकेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।